सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक न्यू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं किसी अच्छी जगह घूमने। जैसे कि नवरात्रि चल रहा है, तो लोग पता ही कि हम लोग कोई अच्छी जगह ही जाएंगे। तो नवरात्रि में हम लोग जाने वाले हैं गुलदान घूमने के लिए और ढेर सारा इंजॉय करने के लिए। देखते हैं क्या क्या इंजॉय करते हैं। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मुझे इस कदम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाती है। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तक खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं। मंदिर के बाहर ये मेला जैसा शॉप्स दुकानें हैं। यहाँ पर आप माता रानी के लिए चुंदरी, अपने लिए नाश्ता और भी बहुत चीजें आप यहाँ पर खरीद सकते हो जो चाहते हो आप। लाइक यहाँ पर आपको प्रसाद भी मिलता है। प्रसाद खरीदना चाहते हैं या भी पूजा का सामान है तो वो भी आप ले सकते हैं। नारियल वगैरह, अगरबत्ती, फूल, या आप चुंदरी चढ़ाते हैं माता रानी को तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं नवरात्रि के टाइम जोदानी में घूमने के लिए। तो हम भी बोले हम भी चलते हैं, घूम के आते हैं, माता रानी के दर्शन करके आते हैं। और कैसा आपको यहाँ पे जब आओगे तो नीचे प्रसाद आपको थोड़ा महंगा देंगे, लेकिन ऊपर जाओगे तो 50-50 रुपए में आप लोगों को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके नाश्ते या खाना खाने की दुकानें हैं। अगर आप खाना नहीं खा के गए हैं तो दर्शन करने के बाद ही खाना खाएं। खाना खा के अगर आप दर्शन करते हैं तो आपका दर्शन माता रानी खुश नहीं होंगी। तो गाइस हम लोग गेट के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं। लिफ्ट की फ़ीस 200 रुपीस है। और आप अगर सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों से जा सकते हैं। मैंने लिफ्ट को इग्नोर करके सीढ़ियों को परचेज किया। तो ये है जुदानी माता का गेट, जिससे ये है गेट और यहीं से स्टार्ट होती है सीढ़ियाँ। करीब लगभग 1600 से 1700 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए फिर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, देख सकते हैं आप काफ़ी लोग भी सीढ़ी से उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। और हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसके बाद हमारी चेकिंग की जाती है, क्योंकि हम ऐसा सामान तो नहीं लिए जिससे हम किसी व्यक्ति या इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकें। इसलिए फुल्ली चेकिंग की जाती है आप लोगों की। और आप कोई भी नशा पत्ती का सामान नहीं ले जा सकते ऊपर। तो सीढ़ियों पर चढ़ने में थोड़ा सा जिनका सांस फूलता है या फिर हार्ट के मरीज हैं वो लोग सीढ़ियों से ना जाएं, लिफ्ट से जाएं, क्यों उनको प्रॉब्लम आ सकती है। सीढ़ियों में चढ़ने का जो मज़ा होता है वो लिफ्ट में नहीं है गाइस। कहते नहीं जिस काम में रिक्स होता है उस काम को करने का मज़ा ही कुछ और होता है। 1000 सीढ़ियाँ हम लोग ने फाइनली चढ़ ली है। और ऊपर भी आपको ये शॉप मिल सकती हैं
यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा वही पूजा का सामान जो आप लोग चाहते हो। यहाँ पे 50 रुपए से स्टार्टिंग करके 150, 200, 300, 400, 1000 रुपए तक का भी प्रसाद आपको मिलता है। तो यहाँ पर आने के बाद हम अपने साथियों का थोड़ा सा वेट किए और यहाँ से स्टार्ट हो गई 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिख भी रहा होगा, कैमरे में वीडियो में आप लोगों को दिख भी रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। इस भीड़ में चलने का, माता रानी के दर्शन करने कितने लोग कितने दूर दूर से आए हैं, इस बात का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं हर एक से पूछूं। इतने ज़्यादा पब्लिक्स कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी है गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और आप भी बोलिए मेरे ब्लॉग के जरिए जय माता दी, माता रानी के दर्शन करिए और बोलिए जय माता दी, जय माता बोला, जय माता दी, बोला चला, बोला तरह है, बोला जय है, गाइस आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, चलने को जगह नहीं हो रही, पैर रखने तक की जगह नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर ऊपर आने के बाद हम लोगों को राउंड राउंड करीब 2 घंटे से ज़्यादा हमें घुमाया गया, क्योंकि इतने ज़्यादा पब्लिक होने के बाद हम लोगों को तो गाइस यहाँ पर हम लोग माता रानी के यहाँ दर्शन कर चुके हैं। आप लोग ऊपर जाकर मुंबई, पूरे मुंबई का व्यू देख सकते हैं, काफी लाइक मोस्ट पॉपुलर और सबसे अमेजिंग दिखने वाला व्यूज, जिसको देखने के बाद आप भी कहोगे मैं तो यहाँ से जाने वाला ही नहीं है, इतना अच्छा लगता है गाइस। अगर यहाँ पर आप अपना अच्छा फ़ोन या फिर अच्छे कैमरा लेके जाते हो तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस भी पहाड़ पर भी चढ़कर क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे। यहाँ से आप उतरते वक्त उतरने का दूसरा रास्ता है गाइस, यहाँ से चढ़ने में तो हमें 2 से 3 घंटे लग गए, लेकिन यहाँ पर उतरने में हमें सिर्फ 40 मिनट लगते है गाइस, 40 मिनट, क्योंकि शॉर्टकट ये रास्ता है। अगर आप इस रास्ते से दर्शन करने जाते हो, वैसे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, अगर जाओगे तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ पर जब आप उतरोगे 40 मिनट में उतर जाओगे और यहाँ से आप पूरी मुंबई का व्यू देख सकते हो। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पर नीचे सीढ़ियों से उतर चुके हैं, बाहर का कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके का व्यू दिखता है शाम के टाइम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है शाम के टाइम। वहाँ से तो मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा, आप भी जाओगे अगर आप भी शाम के व्यू देखोगे तो आपका भी मन नहीं करेगा वहाँ से अपने होम या रूम या घर पे आने का। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से उतरने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हम लोग पानी खरीदा और फिर थोड़ा पानी पी लिया। आप भी हमेशा अपने साथ पानी का बॉटल जरूर रखें, क्योंकि ऊपर जब आप चढ़ोगे तो प्यास बहुत लगती है, उतरने के बाद भी
क्योंकि भीड़ में वो जब घुमाते हैं तो आपको प्यास लग सकती है, वहाँ पर आपको पानी नहीं मिलेगा, इसलिए बॉटल लेके जाए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग, जब मैं जा रहा था तो कम भीड़ था, अभी आप अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे शॉपों पर बहुत सारे कस्टमर लाइन लगा के खड़े। वो ऊपर ब्लू कलर का मंदिर था जो कि एक नंबर व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो ये ब्लू कलर वाला एक नंबर। और ये नीचे से जो आपको लाइटिंग दिख रही है ये लिफ्ट के लिए है, अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हो तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हो। और सो गाइस, आप लोग देख ही रहोगे कि कितनी ज़्यादा पब्लिक है और माता रानी का जयकारा कितने ज़ोरों से चल रहा है, कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं।